सजक लंबे भेतुल वणिक हम बिछो तेरा दीवार। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक नए दिन में नए ब्लॉग में मैं बबीता और यहाँ स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। देवभूमि उत्तराखंड के चंपा जिले के एक छोटे से गांव तामले के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो अभी देखो सामने पे वहाँ हिमालय भी दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे पीछे वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये यहाँ से एक सिर्फ एक चोटी दिख रही है और सारे पेड़ से ढकी हुई है। बाकी हमारा टाइसन यहाँ पे देखो ये मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, और जब भी आता है तो जंप मार के आता है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11:10 और मेरी तैयारी हो चुकी है कंचुदे के वहाँ जाने की, वो सामने पे। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ पैदल, क्योंकि स्कूटी में आज मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ कल बूवे एक्सपायर हुए थे ना उनका घर रोड के ऊपर है, तो आज मेरे को वहाँ से जाने के लिए मम्मी लोग मना कर रहे हैं। वैसे मैं खुद ही नहीं जाती वहाँ से डर के। अभी मैं वहाँ से नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पैदल। तो पैदल पैदल जा रही हूँ, मेरे साथ पहले टाइसन ही पहुँच जाता है। कहीं भी जाओ स्कूटी में मैं यहाँ से घूमती हूँ ना, ये पता है इतने दूर से वहाँ तक घूम के आ जाता है मेरे साथ। मेरे आगे आगे चलता है, कभी पीछे पीछे का चलता है। चलाने में इतनी प्रॉब्लम करता है ना ये, क्योंकि आगे आ देता है। तो अभी मैं वहाँ के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ। अरे धूप इतनी मस्त वाली लग रखी है, मतलब ठंडियों के दिनों में धूप बहुत प्यारी वाली लगी है। और इस साल बहुत नुकसान हो रखा है गाँव वालों का, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो खेती भी नहीं की है। तो हमारे भी खेत ऐसे ही हैं यहाँ पे, और पूरे गांव में किसी ने भी खेती नहीं कर रखी है। बस सिर्फ पेड़ में हरियाली दिख रही है और कहीं नहीं। अगर आजकल यहाँ पे बारिश हुई होती तो कितने प्यारे प्यारे सरसों के फूल खिले रहते हैं सब जगह। ये देखो पहाड़ों के ना पैदल वाले रास्ते कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ से ऐसे पैर रख के जाना पड़ेगा। तो मतलब प्लेन्स के लोग तो यहाँ चल नहीं पाते, कोई भी उनका चलना मुश्किल है। कहीं पर अच्छे रास्ते होते हैं, कहीं पर ऐसे ही उबड़ खाबड़ वाले। और टाइसन को देखो सबसे आगे पहुँच गया। नहीं पता वो बूबू जहाँ रहती थी ना आजकल अपने बेटों के पास गए थे, वहाँ से उनको गांव में ला गया और अभी उनको ले आ रहे। और इतना अजीब सा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं तो उस रास्ते गई भी नहीं, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। और वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है रोने की, तो नहीं होता यार। तो चलो जाने वाले इंसान तो जाते रहेंगे है ना, फैमिली को थोड़ा अभी सहारे की ज़रूरत होती है हर एक ऐसे टाइम पे। हर एक फैमिली को पीछे से जा रहे हैं यार, इसीलिए मैं अभी यहाँ से आई पैदल। तो चलो फिर मैं तो चलती हूँ कंचुदी के यहाँ पे। और एक चीज़ और, हाँ मैंने प्रतीक के लिए ना कल नहीं परसों से एक दिन मतलब 29 तारीख से एक चॉकलेट बचा के रखी थी। चॉकलेट नहीं, वो जो केकों में कैंडी लगती है ना वो थी, कैंडी टाइप की एक छोटी सी चॉकलेट थी वो बचा के रखी थी। मैं सोच रही थी कि मैं उसको आज लेके जाऊँगी, अभी भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, अगर याद रहेगी तो कल लेके आऊँगी, वरना मैं खुद खा लूँगी अब तो, क्योंकि परसों से बहुत बचाई है मैंने उसके लिए। और पहुँच गई यहाँ, और इसको देखो खड़ा। हेलो गाइज, गाइज मौची आ गई और मेरे आते इतना खुश होता है ना यहाँ पे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, कल हो गया बोलो बाबू हैप्पी न्यू ईयर। उसको कैसे खिला रहा है ये देखो, रोटी गर्म करने की स्टाइल, अगर जिसके पास दवानी है ऐसे बना लेना भाई साहब। अब प्रति को प्रेस की हुई रोटी खाएगा ना दिमाग। वो यूज करने के ऊपर है, इंसान अपना दिमाग कितना चला सकता है और कैसे चला सकता है ना। अब उसको रोल करके खा। ये भी अपनी दुकान क्लोज करते हैं और ये बाय बोल गाइज, बाय गाइज, बाय। मौची जा लिया घर को, यहाँ पे अपनी दुकान क्लोज कर रही है। मैं तो जाती हूँ भाई, इनके लिए तो आ रही है गाड़ी। बाय बोल, बाय बाय। मौसी कल आना, बोल आना, ओके बाय, गुड नाइट। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं अगले दिन डायरेक्ट शूट कर रही हूँ वीडियो को, व्लॉग को। और ये अभी हमारे घर आई थी, ये देखो मेरे हाथ में इतना सारा सामान, इसमें मेरा खाना पीना सब कुछ है, रहना खाना पीना सब कुछ। इसको मैं लेके जा रही हूँ कंचुदी की शॉप में। बाकी टाइसन को देखो, ये तो ये तो जा रही है अपनी बहन को लेने, आड़ी बाड़ी, आड़ी बाड़ी जा रही है, आड़ी बाड़ी। और भाभी ऊपर आंगनबाड़ी वाली मैडम, देखो आड़ी बाड़ी वाली मैडम बैठी है और ये आड़ी बाड़ी वाली मैडम के पास जा रही है। पार भाई 11:30, तो अभी टाइम हो रखा है 11:30 और मैं जा रही हूँ। मेरे से पहले मेरा टैक्सी जाता है।
तो गाइस ये देखो, ये यूबॉन का मोबाइल स्टैंड है जो जिया जी का है, क्योंकि उनकी गाड़ी का था ना, मैं कब से लेके आई थी और मैंने देना ही था। आज मैं इसको भी लेके जा रही हूँ, एक साल हो गया हमारे घर में इसको। तो अभी तो मैं जा रही हूँ और मेरे साथ एक पोपट हो गया, मेरे से कंचू दी ने ये मंगाया था और ये मैं तोड़ के चले गई यहाँ पे। और अभी तक प्रतीक का फोन आया था, प्रतीक कह रहा है मौसी मेरे लिए नानी पूरी बना रही है, पूरी लेके आना, तो उसके लिए पूरी भी लेके गई हूँ। और यहाँ पे हम दोनों बना रहे हैं नींबू, और ये हमारा छोटा सा डस्टबिन, और यहाँ पे सिर्फ नमक ही नमक है, चीनी है ही नहीं। नींबू हम लोगों ने खा लिया और हाथ भी गंदे हैं अभी। और यहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है, तो ये यहाँ पानी की ज़रूरत है ना, तो नीचे पानी नहीं है, तो यहाँ से मोटर से भरने के लिए आई हैं ANM सेंटर में। यहाँ से पानी भर दिया, वरना हमें फिर वो वहाँ नौले जाना पड़ता नीचे, या फिर इधर साइड के नौले। यहाँ पर मिल गया परली तेरा घुंघरू बजदा, आ खुट्यों मा परली तेरा।